हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक टोपरा पा। आइए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने एक बाउल भर के दूध लिया। देखिए इतना बाउल, इतना भर के मैंने दूध ले लिया है। और इसी कटोरी के माप से हम खोपरे का चूरा ले लेंगे। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से इसे भी दूध में डाल लेंगे और अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए जब इस तरह का होने लगेगा तब हम इन्हें इसमें अब दूध का पाउडर डालेंगे। जितना पाउडर हमने नारियल का लिया था उसका आधा। माप एक कटोरी रख लीजिए आप कोई भी, उसी हिसाब से आप मेजरमेंट करते जाइए। अब जितना हमने पाउडर डाला है उतने हम शक्कर का पाउडर डालेंगे। पाउडर शक्कर का नहीं हो तो आप पीस के भी डाल सकते हैं मिक्सी में, आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। अब मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ, इससे हमारी बर्फी में और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, पर इसे डालने से सुंदर भी लगेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए अब ये बन गई है, कम से कम 5 से 7 मिनट में देखिए सब इस तरह से बनने लगी, मतलब ये हमारी बर्फी के लिए परफेक्ट है। अब मैंने एक ट्रे में घी लगा लिया है, अब उस पर हम सब अपना जो बनाया हमने ये उसे उतार लेंगे और उसको अच्छे से फैला लेंगे पूरे में। अच्छे से अपने इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप चाहे तो कोई ग्लास की मदद से भी कर सकते हैं। बस इसी तरह से घर पे बनाइए। अब ऊपर से भी मैं गार्निशिंग के लिए पिस्ता डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। ये देखिए बिल्कुल हलवाई की तरह लग रही है ना एकदम, और आप जब बनाएंगे तो आपको टेस्ट में भी बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई लगेगी। तो आप इस तरह से बनाइए, कम खर्चे में एकदम टेस्टी और हेल्थ के लिए भी अच्छी। तो आप इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए मैंने आधा घंटा, एक घंटा सॉरी, इसको मैंने फ्रिज में रखा था, ये सेट हो गई है। ये देखिए अच्छे से कट पीसेस कट रहे हैं हमारे, मतलब ये एकदम सेट हो गई, परफेक्ट बनी हमारी नारियल की मिठाई। बस अब पीसीस कर लेंगे, आपको जो शेप देना चाहो आप उतना शेप में दे सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी बर्फी तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट। ये देखिए आप इस तरह से बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।